वेलकम टू इंडियन स्कॉलरशिप फ्रेंड। आज की इस वीडियो हम लोग FAEA स्कॉलरशिप स्कीम के बारे में बात करने वाले। तो बहुत सारे स्टूडेंट हैं, उनको ऐसा कमेंट वो कर रहे हैं या फिर उनको प्रॉब्लम आ रही है कि वो जो फॉर्म तो अभी भर दिया मैंने, फॉर्म का तो प्रोसेस आपको बता दिया, तो अगर आपको देखना होगा तो आप देख सकते हैं उसको। वीडियो की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन के अंदर मेंशन कर दी है और इस वेबसाइट की लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दी है। तो फॉर्म भरने के बाद क्या करना चाहिए, अभी फॉर्म तो भर दिया, फॉर्म भरने के बाद अभी क्या करना चाहिए, तो मैं आपको बता दूँ कि फॉर्म भरने के बाद आपको सबसे पहले उसके फॉर्म को प्रिंट आउट ले लेना है। ऐसे आपके फॉर्म को प्रिंट आउट आपने ले लेना है, जैसे फॉर्म दिख रहा है ना उसका प्रिंट आउट जैसे है वैसा ले लेना है। प्रिंट आउट लेने के बाद अगर आपके प्रिंट आउट नहीं आता रहेगा तो उसको डाउनलोड करके साइबर से जाके उसका प्रिंट कॉपी मार्कर आपने ले लेनी है। लेने के बाद ये जो कि कन्फर्मेशन नंबर, तो कन्फर्मेशन कोड रहेगा वो आपने संभाल कर रख लेना है, और आपने जो ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर उसको दिया है उसके अंदर फॉर्म के अंदर, तो आपको हो सकता है कि ईमेल के थ्रू आपसे कॉन्टैक्ट किया जाए या फिर आपको डायरेक्ट ही फ़ोन करके आपसे कॉन्टैक्ट किया जाए। और आपके फ़ोन करके अगर कॉन्टैक्ट करेंगे तो वो आपको सब बोलेंगे कि हम FAEA स्कॉलरशिप स्कीम से बात कर रहे हैं, तो वो आपको उनका सब डिटेल्स वगैरह आपसे कन्फर्म कर लेंगे वो, और बोलेंगे कि आपको इस डेट को वहाँ पर आकर इंटरव्यू देना है। जैसे आप वहाँ पर जाएंगे और इंटरव्यू देंगे तो इंटरव्यू में आपसे बेसिक डिटेल आपसे पूछेंगे कि आपका फैमिली बैकग्राउंड क्या है, आपका क्या नेम है, क्या फादर करते हैं, कितनी फैमिली की एनुअल इनकम है, जो भी आपने डिटेल्स फिल करेंगे वही आपसे डबल से पूछेंगे। तो पूछने के बाद आपको वो स्कॉलरशिप है वहाँ पर बताई जाएंगी कि कितनी स्कॉलरशिप आपको मिलेंगी, तो वो उस हिसाब से आपको वहाँ पर स्कॉलरशिप है वो बताई जाएंगी कि कितनी स्कॉलरशिप मिलेंगी, और वहाँ पर जाकर आपको वो बताएंगे। और जो भी आपका ट्रैवलिंग का जो भी खर्चा होगा वहाँ पर, जो आप इंटरव्यू देने के लिए जाएंगे उनका कॉल वगैरह आने के बाद या फिर उनका मेल वगैरह आने के बाद, तो इंटरव्यू देने के लिए जाएंगे तो वो पूरा जो खर्चा रहेगा वहाँ पर टिकट का, तो वो सब वो देंगे आपको, वो पूरा खर्चा वो वहाँ पर देंगे। लेकिन खाना पीना तो आपको खुद का आपका एडजस्ट करना पड़ेगा, वो तो खाली ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस आपको जो भी रहेगा वो खाली वो देंगे। तो वो ये जो नंबर है वो कन्फर्मेशन नंबर है वो संभाल कर रख लेना, वो आपको अभी बुलाएंगे यानी आपको कॉल करेंगे या फिर आपके ईमेल के थ्रू आपको कॉन्टैक्ट करेंगे। तो बार बार आपने ईमेल चेक कर लेना है, ईमेल आया क्या नहीं आया। अगर आपका कॉल अगर आता है तो सब कॉल कर आप सिंसियरली अटेंड करना है, और अटेंड करने के बाद उनको देखना है कि कहाँ से कॉल आया है। अननोन नंबर से भी आता है तो आपको अटेंड करके देख लेना है कि कहाँ से कॉल आया है। कॉल आने के बाद उनसे पूछ लेना है कि क्या मुझे कहाँ पर आना है, वो सब पूरी डिटेल्स आपको वो मेल कर देंगे या फिर वो व्हाट्सएप के कॉल वगैरह के थ्रू या फिर सिंपल कॉल वगैरह के थ्रू आपको बता देंगे कहाँ पर आपको किस एड्रेस पर कितने बजे और कितने कौन से दिन आपको कौन से तारीख में आना है, तो वो सब आपको बता देंगे। वहाँ पर जाकर आपको इंटरव्यू देना पड़ेगा, आपके जो डॉक्यूमेंट्स रहेंगे वो आपको डॉक्यूमेंट्स साथ में लेकर जाने, जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स रहेंगे वो सब डॉक्यूमेंट्स आपको साथ में लेकर जाने, ओरिजिनल भी लेकर जाने और डुप्लीकेट उसकी जेरोक्स कॉपी भी लेकर जाने, ताकि अगर वहाँ पर कुछ मांगते हैं तो वहाँ पर आपको देने के लिए आसानी होगी, इसलिए आपको डॉक्यूमेंट्स साथ में लेकर जाने। तो आप समझ गए रहेंगे कि आपको क्या करना है, तो बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं। उनका जब जैसे ही कॉल आता है या फिर मेल आता है तो वो मेल को आपने पर डे चेक करते रहना है, हर दिन उसको चेक करते रहना है कि मेल आया है या फिर कॉल आया है। अगर जैसे ही कॉल आता है या फिर मेल आता है तो वहाँ पर इंटरव्यू देने के लिए आपको पहुँच जाना है। तो चलिए मिलते हैं ऐसी एक नई वीडियो के साथ।